Hello students, I am Dr. Sheila Tikku and going to study you for class 3rd year honors, crystal field splitting in octahedral complexes. The first point is, imagine a metal cation in origin and six ligands at the three axes. पहला point है जिसके अंदर आप एक धातु cation को मध्य में लेके चलोगे तथा ligands उसके सारे axes पे होंगे. दूसरा है, द लीगेंड अप्रोचेस फ्रॉम द एक्सेस एंड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लीगेंड एंड मेटल ऑर्बिटल्स द एनर्जी ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस. दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर लीगेंड धातु की तरफ आएगा और दोनों के बीच प्रतिआकर्षण के कारण लीगेंड और धातु के ऑर्बिटल्स में प्रतिआकर्षण होता है और T2G और EG ऑर्बिटल्स अलग अलग विभाजित हो जाती हैं, जिनमें EG ऑर्बिटल्स की ऊर्जा ऊपर चली जाती है और T2G की ऊर्जा नीचे चली आती है. इन विच द एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल इंक्रीजेस and the energy of T2 orbital decreases. This is the reason why we have to get 2D orbitals empty and 3D orbitals completely filled for making an octahedral complex. ये कारण है क्योंकि हमारे को 2D orbitals खाली चाहिए और 3D orbital भरी हुई चाहिए ताकि हम एक अष्टफलकीय यौगिक बना सकें.